चले तो अगर बस में चले तो सब मंदिरों को मैं क्रेन जी लेवन थोड़का में ज्यादती है, ये तो ज्यादती है। देखिए मुझे बताएं, जब आपकी मस्जिद, मेरी बात सुने, जब आपकी मस्जिद को कोई कुछ करेगा आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, हम मुसलमान है, साडा मुसलमान का मुल्क है, इस्लाम वाला मुल्क है, ऐसा कोई भगवान शगवान नहीं चलना जिद्दी ऐसी कोई पूजा करनी। जो है अरेबिक है वो कंपलसरी बुक है, तो पाकिस्तान में देख लें आप। आपको पता था इस चीज़ का? जी पता है मुझे, हम बीसी कंट्री में रहे हैं तो उनकी वो कंपलसरी बुक है, हमारे इधर नहीं पढ़ाई जा रही। उनको लिंग्विस्टिक्स खाई जा रही है अरबी की, हमारे इधर नहीं है। हमारे इंग्लिश पे फोकस करते हैं, अच्छी बात, लेकिन उधर इंग्लिश पे भी फोकस है, अरबिक पे भी है, तो इसलिए वो इंग्लिश वाले जो हैं वो कंट्रास्ट कर रहे हैं उधर यूएस की तरफ, यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ, दूसरे जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ, और जो अरबिक जो अच्छा जानते हैं वो गल्फ कंट्रीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं। भाई बहुत ज़्यादा इंडियन है उधर, इंडियन है। तो मैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडियंस की ज़्यादा रिस्पेक्ट है या पाकिस्तानियों की ज़्यादा रिस्पेक्ट है? मैंने जो देखा है वो तो इंडियन की ज़्यादा रिस्पेक्ट है। उसकी क्या वजह? वो तो कंट्री भी इस्लामिक वो जो है वो कंट्री है दुबई। भाई उसकी वजह ये है कि जो हमारी कंट्री के लोग हैं ना वो जाके काम को तरजीह नहीं देते, जो उधर के लोग हैं ना वो काम को पहले रखते हैं और सीधा चलते हैं। वजह यही है ना, वो तो वो भी दीन पे तो नहीं, वो भाई उनके हम मत बराबर है, वो भी गैर मुस्लिम है, वो भी गैर मुस्लिम है। अच्छा। हम मुसलमान है। अच्छा। मुसलमान निशाने में है, पूरी दुनिया में निशाने में है इस वक्त। अच्छा। क्या वजह क्या, क्यों निशाने पे? अच्छा आपने बोला वो हम मजहब है, हालांकि वो हम मजहब नहीं है, हिंदुइज्म भी है, क्रिश्चियन भी मुस्लिम है ना, वो एक ही है, सारे मिल जाते, सब एक ही है। छोड़ दो इधर उधर ब्लेम करना, छोड़ दो इसको कहना, छोड़ दो उस इदारे को कहना, छोड़ दो हुकूमतों को ब्लेम करना, खुदा की कसम हम खुद ठीक नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको, आप मुझे, आप हल्फन एक बात बता दें, हम कहाँ ठीक हैं इंडिविजुअली, एज अ कॉम, एज अ नेशन, इंडिविजुअली हम कहाँ ठीक हैं? एक जगह बता दें जहाँ पर हम कहीं भी ठीक नहीं। हम सिर्फ बैगर्स हैं दुनिया में, हमारा नक्शा ये बन गया है कि हम ना तो टेक्नोलॉजी में आगे जाने की बात करते हैं, हम बातें करते हैं बस, ये कहते हैं जी हम कुछ भी ना करें और सब कुछ हो जाए। वो क्या है ना कि हम पढ़ना नहीं चाहते लेकिन टेक्नोलॉजी को पसंद करते हैं। हम 23-24 करोड़ रुपए का, 23-24 करोड़ लोगों का हजूम है, हम कौम नहीं है। आई स्टडीड इन स्टेट्स, आई लिव अब्रॉड, आई यू नो ट्रैवल अब्रॉड, आई एम अमंग दोस पर्सन हु अवेल अ लॉट ऑफ फेलोशिप्स, वो लोग कौम है। इंडिया वाले की अगर बात करें यार, इंडिया वहां पे भी, अगर वहां पे हम, हमारा जो टॉपिक है ना वो टू नेशंस टू टेल्स के हवाले से, देखिए टू नेशन एग्जिस्ट करते हैं आपके, आप पैदा, आपका मुल्क पैदा टू नेशन थ्योरी के ऊपर हुआ है। यूएई में जो है बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं, दुबई में इतनी बारिशें हुई हैं, इतनी बारिशें हुई हैं कि वहां पे सैलाब आ गया है, वहां के जो एयरपोर्ट है पानी से भर गए हैं और वहां पे हवाई जहाज जो है वो कश्तियों की तरह तैर रहे हैं, और इसी के साथ साथ दुबई का आसमान भी हरे रंग का हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये मैं तो शुक्र करना चाहती हूँ, उधर मंदिर बना रहे थे। अच्छा। बड़ा अल्लाह का करम हुआ तो वो खत्म हो गया, ये अल्लाह का अजाब भी है, उनको ये समझ रल गई कि ये अल्लाह हमारा एक ही है, वो भगवान वगैरह उधर नहीं चलता। अच्छा। हम बहुत इस बात पे खुश हैं कि ये सारा कुछ उनका जो गिर गया। दूसरी बात, अजाब हमारे मुल्क में भी है, पंजाब से मैं रहने वाले, फसल तैयार है, उधर बारिशें हैं तो वो सारा कुछ गिर रहा है। सिर्फ उन पे अजाब नहीं, अजाब हमारे मुल्क में भी है। मेरी बात सुने, आपको ये बात किसने बताई कि वहाँ पे जो मंदिर बन रहा था वो बह गया है या रुड़ गया, बल्कि मंदिर तो बन चुका है वहाँ पे? नहीं, मैंने तो अभी इस तरह ड्यूटी पे आया हूँ तो लड़कों ने बताया कि उधर वो मंदिर उनका गिर गया या रुड़ गया है। अच्छा। खुश हुआ से रुड़ गया या गिर गया है, तो अजाब है, अल्लाह का अजाब, अल्लाह का अजाब से डरना चाहिए, हमारा अल्लाह एक है, ये उनको पता चल गया कि अल्लाह से के बाद कोई किसी का माफ नहीं। तो फिर पाकिस्तान में भी अजाब आना चाहिए, पाकिस्तान में भी तो बहुत सारे मंदिर हैं। नहीं, मंदिर ठीक है, अजाब है ना, फसल तैयार होते थे इधर, वो बारिश बारिश की होती है, गोला होता है, सारी फसल खत्म हो जाए। इसी तरह पंजाब में आप देखें, फसल तैयार होंगे तो वो बारिश के वजह सारा कुछ खत्म हो गया, ये अजाब नहीं तो और क्या है। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान ये जेलसी फैक्टर में बात कर रहे हैं, क्योंकि यूएई के तालुका दिन ब दिन इंडिया के साथ बेहतर और पाकिस्तान के साथ खराब होते जा रहे हैं, इसलिए आप लोग इस सबको अल्लाह का अजाब का रंग दे रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे साथ अल्लाह है। अच्छा। उनके साथ जो भी, हम अल्लाह के सिवा कुछ, बेशक जो मर्जी उनकी ताकत, हमारे साथ अल्लाह है। अच्छा, यूएई में तो मंदिर बन गया, पाकिस्तान में भी मंदिर है, सिंध में भी मंदिर है, कराची में भी मंदिर है, लाहौर में भी मंदिर है, तो आपको क्या लगता है कि जिन जिन इलाकों में मंदिर है फिर वहाँ वहाँ अजाब आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, मेरे तो अगर बस में चले तो सब मंदिरों को मैं क्रेन जी लेवन थोड़का में चले। ज्यादती है, ये तो ज्यादती है। देखिए मुझे बताएं, जब आपकी मस्जिद, मेरी बात सुने, जब आपकी मस्जिद को कोई कुछ करेगा आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, हम मुसलमान है, साडा मुसलमान का मुल्क है,
इस्लाम वाला मुल्क है, इतना कोई भगवान शगवान नहीं चलना जिदी असी कोई पूजा करनी है, अस अल्लाह के सिवा किसे दी नहीं। आप लोगों के ना इस तरह के बयानों की वजह से, आप लोगों की तरह की सोच की वजह से ना फिर दोनों मुल्कों के दरमियान नफरतें बढ़ती हैं। मेरी बात सुने, हमारे तो मुल्क अगर पाकिस्तान की बात करें, हमारे इस्लाम की बात करें तो वो भी हर मजहब को पूरी पूरी आज़ादी देता है, फिर हम कौन होते हैं मंदिर तोड़ने वाले। मैं तो ये कहता हूँ, देखे मैं तो इधर लाहौर में तकरीबन 10-12 साल, किसी ने ये बताया ये हिंदुओं के घर हैं, ये मुसलमानों के घर हैं, लेकिन ना देखें फ़र्क पड़ता है जब आपके हमसाए इस तरह कटक मैटक पड़ता है फ़र्क। अगर वो कहते हैं ना कि आपने अगर मौलवी के साथ चलना तो आप बंदा मौलवी बन जाता है, अगर हिंदू के साथ चलना आप हिंदू बन, बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। मैं ये कोई असर नहीं पड़ता, मुझे ये बताएं 1947 से पहले सब एक साथ रहते थे तो कितने मुसलमान जो हैं वो हिंदू हैं या कितने हिंदू हैं जो मुसलमान हुए, मुझे आप इस चीज़ का हिसाब बताएं। नहीं मुझे नहीं पता, सॉरी मैम। तो फिर आप किस बिहाफ पर ये बात कह सकते हैं? आपको पता है अभी भी पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदू जो हैं वो हिंदुस्तान में रहते हैं, तो क्या वो हिंदू हो गए हिंदुओं के साथ रह रहे के? मैं कहता हूँ जो गलत है वो गलत है, मैं अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानता, मेरा अपना ज़मीर है, मैं ये नहीं कह सकता ये बंदा मुसलमान है या हिंदू, उसका अपना मजहब है। लेकिन तो मंदिर के साथ साथ जो है वो हिंदुओं से भी नफरत करते होंगे? बिल्कुल, मैं मुसलमान है, मैं हिंदुओं ना रोटी नहीं खाना जायज़ करता। एक बंदा काफर हो साढ़े अल्लाह ना मन, मैं तो ना बह के रोटी खाने लग पावा, मेरा ज़मीर मंदा है। एक बंदा अल्लाह ने मंदा ही नहीं है, बह के रोटियां तो क्रिकेट खेलो, थोड़ा अपना ज़मीर है, जाना अल्लाह को है। मेरे हमारे प्यारे रसूल जो भी है वो भी हिंदुओं के साथ तजारत करते रहे हैं। बिल्कुल, वो मेरे तो संभाले तो पहले जो मर्जी होता रहे। अच्छा। लेकिन मैं जो उस संभालिया कि हिंदुओं नाल मैं नहीं टुरना भावे जो मर्जी हो। मैं तो आपको ये बात नहीं कह रही, लेकिन कम से कम आप अपनी सोच तो बदलनी चाहिए ना, इस तरह की मनफी सोच रखेंगे तो मजीद कशीदगियाँ बढ़ेंगी। फिर आप लोग कहते हैं जी हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान महफूज नहीं है, आपके बयान के बाद तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू महफूज नहीं है। कि वो जब वो हिंदू वाले जो इंटरव्यू देते हैं पाकिस्तानियों के खिलाफ, आपने कभी सुना वो गाली के बगैर बोलते भी नहीं, हमने एक गाली भी नहीं निकाली, किसी मुसलमान ने गाली भी नहीं निकाली। मैं आपके गाली से बढ़कर बातें तो आपने कर दी ना, आप उनके इंटरव्यू सुनाओ तो आपने कहना वो एक बात करते पीछे 5 गाली निकालने वाले खड़े होते हिंदू। हमने गाली नहीं निकालते, हम ये करते हैं मुसलमान पक्के मंदिरों को मसमार करने की बातें कर रहे हैं, इससे बड़ी बदतमीजी मंदिर नहीं उनांदा घर भी रोड बन जाए। इतनी नफरत की क्या वजह है हिंदुओं के साथ, हिंदुस्तान के साथ, उनके मंदिरों के साथ? हम तो जब उनके मुल्क में जाते हैं, मैंने कई ऐसे पाकिस्तानियों के इंटरव्यू किए हैं जो हिंदुस्तान जाते हैं, वो कहते हैं हमें बड़ा प्यार मिला वहाँ के लोगों से, और आपके दिल में इतनी नफरत, इतना जहर उनके लिए? नहीं मेरे कुछ जहर नहीं, मैं कहता हूँ अगर मेरे बारे में अच्छा सोचेगा तो मैं ज़रूर उसके बारे में अच्छा सोचूंगा। हम मुसलमान हैं, हम रहम दिल वाले हैं। अच्छा। अगर मेरे बारे में अच्छे या मेरे बच्चों के और मेरे पाकिस्तान के बारे में अच्छे सोचेगा हम जरूर अच्छा सोचे। देखिए मेरी ना इंडियन से मुलाकात हुई है, इसी तरह आपकी जो न्यूज़ सुनते हैं वो पीछे एक बंदा इंटरव्यू दे रहा होता है इंडियन वाले, और पीछे जो 5-6 भगोड़े होते हैं वो गाली निकाल रहे होते हैं। हमने हमारे साथ ये मुसलमान भाई सब खड़े, किसी ने बोला है कुछ कि इंडिया ये है इंडिया वो है? हम अल्लाह के बंदे, उनको समझना चाहिए कि अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं। सबसे मेन वजह है कि हम दीन से दूर हैं, दीन से दूर हैं, दीन से दूर हैं। जब तक हम अल्लाह के नबी के मुताबिक ना आए उस वक्त हम इज्जत नहीं मिलनी, ये पक्की बात है, जाए जो भी हो। अच्छा, आपको नहीं लगता वो आपकी बात अपनी जगह पर जाए, लेकिन इसके अलावा हमें अपने आप पर भी गौर करने की जरूरत है। इंडियन अगर मिनिस्टर की बात की जाए उन्हें रिस्पेक्ट भी मिलती है, उनके पासपोर्ट की भी वैल्यू हमारे से ज्यादा है, आपको पता है? इसलिए वजह जी ये ना, वो तो वो भी दीन पे तो नहीं, वो भाई उनके हम मत बराबर है, वही गैर मुस्लिम है, वही गैर मुस्लिम है, हम मुसलमान है, मुसलमान निशाने में है, पूरी दुनिया में निशाने में है इस वक्त। अच्छा, क्या वजह क्या है, क्यों निशाने पे? अच्छा आपने बोला वो हम मजहब है, हालांकि वो हम मजहब नहीं है, हिंदुइज्म भी है, क्रिश्चियन भी मुस्लिम है ना, वो एक ही है, वो सारे मिल जाते सब एक ही है। अच्छा। जो सारी दुनिया की तरफ मुसलमान एक तरफ, ये कन्फर्म। वजह क्या है, वजह क्या है पूरी दुनिया के लोग मुसलमानों के खिलाफ क्यों? इसलिए है कि हमारा जो अमन तरीकाकार है वो गलत है, हम झूठ बूट बोलते हैं, नासाफी करते हैं, दूर धोखा करते हैं, बदनाम हो रहे हैं। देखें ये देखें उन्होंने बात जो की है कि हमारे खिलाफ इसलिए कि हम धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं, यानी फिर दुनिया का कसूर नहीं, कसूर हमारा ही कसूर है, हमारा कसूर है, ऐसा ही है। तो कैसे हम बेहतर करेंगे, पाकिस्तान का इमेज कैसे बेहतर करेंगे? पूरा 100% मुसलमान अपने नबी की दिक्कत में ना आए, सच नहीं बोलेगा, कुरान के मुताबिक ना आए, इज्जत नहीं मिल सकती, मिलनी नहीं है, ये पक्की बात है। तो इंडिया चलो उनके साथ कॉपरेट कर रहा है, तो इंडिया भाईचारा नहीं कर रहा, उनका खुद के उनके पीछे जो है उनके मफादात है। फॉर एग्जाम्पल ये है कि इंडिया का कोई एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है, कोई बिजनेसमैन है, तो कोई भी है, तो वो उनके उधर मॉल्स हैं, उनके जो भी हैं उनके उधर प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उधर जाके रह रहे हैं, तो यानी पता
क्या है, यहाँ दुबई को इंडियंस की जरूरत है। अगर आपने देखा हो अमेरिका ने भी प्रायोरिटी वीजा जो है वो इंडियंस के लिए सेट किए, तो ये कंट्रीज जो है वो खुद इंडियंस को बुलाती हैं अपने कंट्री में। जी मतलब इसकी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे इंडिया मुस्लिम कंट्री नहीं है, सेकुलर कंट्री है, तो उधर जो है अरेबिक है वो कंपल्सरी बुक है। तो पाकिस्तान में देख लें आप, आपको पता था इस चीज़ का? जी पता है मुझे, हम बीसी कंट्री में रहे हैं, तो उनकी वो कंपलसरी बुक है, हमारे इधर नहीं पढ़ाई जा रही। उनको लिंग्विस्टिक्स सिखाई जा रही है अरबी की, हमारे इधर नहीं है। हमारे इंग्लिश पे फोकस करते हैं, अच्छी बात, लेकिन उधर इंग्लिश पे भी फोकस है, अरबिक पे भी है। तो इसलिए वो इंग्लिश वाले जो हैं वो कंट्रास्ट कर रहे हैं उधर यूएस की तरफ, यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ, दूसरे जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ, और जो अरबिक जो अच्छा जानते हैं वो गल्फ कंट्रीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये बड़ी बात उनमें ये है कि उधर जो भी बड़े अदारे हैं या उनकी जो, जैसे सऊदीया की रामको है सबसे बड़ा उनका यूनिट है, तो उधर जो जीएम है ना वो आप शॉक हो जाएंगे सुन के कि वो इंडिया का है। क्या बात है, मैं शॉक नहीं हुई, क्योंकि इन कंट्रीज में बड़े बड़े अहदों पर इंडियंस ही बैठे हुए हैं और प्रायोरिटी पर बुलाया जाता है। जी इंडियंस को हमेशा प्रायोरिटी इसलिए दी जा रही है कि वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं, वो आईटी में हमसे आगे हैं,